पीरियड्स कोई बहुत बड़ा टैबू या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स में भी स्वैग है। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू अगेन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टैबू टॉपिक पर, महावारी या फिर पीरियड्स के बारे में, लेकिन एक पॉजिटिव नजरिए से, क्योंकि पीरियड्स में भी स्वैग है। अब वो कैसे है चलो मैं बताती हूँ। हाँ, यू हर्ड राइट, हम सभी जानते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमें पीरियड्स को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं वो एक पार्ट है हर औरत या फिर हर लड़की की लाइफ का। जो लोग पीरियड्स के टाइम पर लड़की को अछूत मानते हैं या फिर बोलते हैं कि तू अशुभ है, दूर रहे, अचार मत छू, तुलसी जी मत छू, पूजा मत कर, बेड पे मत बैठ, किचन में मत जा और फलाना ढिमकाना, तो उन लोगों को दूर से ही नमस्ते करो, क्योंकि पीरियड्स में भी हमें अपने आप को प्यार देना चाहिए, अपने आप से खूब सारा प्यार करना चाहिए। क्योंकि चलो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जो चीज़ हमारे पास है, जो फीमेल्स के पास है, वो एक मेल के पास नहीं हो सकती। वो क्या है? वो ये है कि ये जो एक पीरियड्स वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, सेल्फ क्लीनिंग का। इस टाइम में जो हमारी बॉडी है वो खुद को ही खुद से साफ कर देती है, जो चीज़ मेल में नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है, जो ये हमारे पास है और मेल्स के पास नहीं है, वो एक सुपर पावर है या फिर नहीं है? है ना, तो क्यों ना हो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा स्वैग, है ना। अब ये खुशखबरी उन लड़कियों के लिए भी है जो पीरियड्स के चलते थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं करना। तो ये सब जो चीजें हैं ना, वो उनको थोड़ा साइड रख दो, ये जो सोच है उसको बदलो, क्योंकि हम अपने पीरियड्स के टाइम पर भी वो सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, सब चलता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जो लड़कियां पीरियड्स प्रोडक्ट को परचेज करने में शर्माती हैं या उनके बारे में बात करने में शर्माती हैं, तो वो शर्माहट भी छोड़ दो, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर जो हम पीरियड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने कंफर्ट के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा शूज़ चूज़ करते हैं, उसी तरह से हमारी हेल्थ के लिए और हमारे कंफर्ट के लिए एक सही पीरियड प्रोडक्ट चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा राइट भी है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं स्कूल में थी या फिर जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जो घिन खाती हैं दूसरी लड़की से जिसको ऑलरेडी पीरियड्स हो रहे होते हैं। देखो, एक लड़की ही दूसरी लड़की का दर्द समझ सकती है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज पीरियड्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स टाइम टू ब्रेक द साइलेंस एंड द स्टिग्मा अराउंड इट। अब बताओ, पीरियड्स में भी स्वैग है ना? और अगर लगता है आपको कि पीरियड्स में भी स्वैग है, तो फटाक से ठोको लाइक और अपनी ऐसी फ्रेंड्स या फिर ऐसी महिलाओं को इस वीडियो को शेयर करो जो पीरियड्स को खराब मानते हैं, जो बोलते हैं कि यार पीरियड्स में तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और फलाना ढिमकाना जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप पे लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।